हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुनील शर्मा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्लास फिफ्थ चैप्टर 3, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन मैंने हड्डियों का ढांचा, मस्कुलर सिस्टम मैंने मसल्स मांसपेशियां, कि जो हमारा शरीर है, हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम से बना हुआ है। चलो देखते हैं, लेट वी आर डिस्कस अबाउट द मूवमेंट एंड द स्केलेटन सिस्टम वर्क इन एसोसिएशन विद मस्कुलर सिस्टम। जो हमारा शरीर है वो किस चीज़ से मूव करता है, मसल्स की वजह से मूव कर सकता है। दैट इज़ मेड अप ऑफ ओवर 600 मसल्स। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये लगभग 600 मसल्स से मिलकर बना हुआ है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी स्टैंड एंड मूव। जो बोन है और मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो एक साथ वर्क करती हैं हमारी बॉडी के साथ, और जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, बोन्स। बोन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट इन बोन्स के अंदर क्या फिल हो जाती है, मसल्स मांसपेशियां फिल हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनता है और हम मूव कर पाते हैं। द स्केलेटन इज़ अ इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी दैट गिव अ डिस्टिंक्ट शेप ऑफ द बॉडी। स्केलेटन क्या करता है, इंटरनल अंदरूनी फ्रेमवर्क है हड्डियों का, जो एक प्रॉपर शेप देता है हमारी बॉडी को। देर आर 206 बोन इन ए अडल्ट ह्यूमन बॉडी, ऑल्दो अ न्यू बोर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन एट द बर्थ। जो 206 हड्डियाँ होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, उसके अलावा जो न्यू बोर्न बेबी होता है, वो जो छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसके अंदर 300 बोन्स पाई जाती हैं। सम बोन्स गेट फ्यूज्ड ग्रेजुअली एज अ चाइल्ड ग्रो अप। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। बोन्स रिक्वायर न्यूट्रिशंस फॉर देयर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। हड्डियों को किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की, जिससे वो क्या करें, प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फर एंड सम विटामिन्स आर एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट ऑफ द बोन्स। इसमें क्या होता है, कैल्शियम है, फॉस्फर है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे हमारे जो बोन्स हड्डियाँ वो मजबूत होती हैं। बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड। जो हड्डियाँ होती हैं वो बाहर से आपको कैसे दिखाई देती हैं, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वाइल ऑन द इनसाइड दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट फैटी मटेरियल आर कॉल्ड द बोन मैरो। बट अगर हम अंदर से बात करें अपनी हड्डियों की, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और ये एक स्पॉन्जी, एक सॉफ्ट फैटी मटेरियल जो इनके अंदर फिल होता है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, बोन मैरो। चलो अब डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ स्केलेटन। द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्केलेटन आर डिस्कस बिलो। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्कल। स्कल जो ये आपको दिखाई दे रही है, खोपड़ी जो है, स्कल इज ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये क्या, किसको प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को। इट इज़ अ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो ये स्कल है ये लगभग 22 बोन से मिलकर बनता है। 8 फ्लैट बोन गैट इंटर लोग टुगेदर टू कवर आवर ब्रेन एंड वाइल द रिमेनिंग 14 मेक अप आवर फेस। अगर हम बात करें अपने ब्रेन के बारे में, स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में, जिसमें क्या होते हैं 8 फ्लैट बोन। अगर हम ये देखें कि हमारे पीछे की तरफ 8 फ्लैट बोन होती हैं, और जो हमारा फेस होता है ये, इसमें हमारी कितनी बोन्स होती हैं, 44, और ऊपर कितनी होती है हमारी, 8 बोन्स। यहाँ पर क्या है, हमारी इसमें क्या है, 8 बोन्स है, और हमारे फेस में कितनी है, टोटल 14 बोन। ओके, तो टोटल कितनी हुई, 22, यानी ऑल ओवर कितनी है हमारे पास, 22।
आउट ऑफ द स्कल बोन ओनली द लोअर जॉ आर मूवेबल। अगर हम नीचे वाले जबड़े की बात करें, सिर्फ यही हमारी जो हड्डी होती है मूवेबल होती है, मूव कर सकती है। इट अनेबल टू ईट एंड टॉक, जिसकी वजह से हम खा सकते हैं और बोल सकते हैं। आफ्टर दैट रिब केज, ये दिखाई दे रहा है जो आपको, द बोन दैट अनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स फॉर्म द रिब केज। ये हार्ट हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किसकी वजह से, रिब केज की वजह से। इट इंक्लूड द रिब्स एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या होती है, रिब केज के अंदर आती है हमारी रिब्स आती हैं, ये दिखाई दे रही है आपको, जिनको हम आतड़ियाँ बोलते हैं हिंदी में। स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारी हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी भी जिसको हम बोल देते हैं, है ना। तो रिब्स, रिब्स क्या होते हैं, दर 12 पेयर ऑफ ए रिब्स, ये कितने हमारे, ये 12 पेयर है, 12 पेयर के मतलब ये 12 लेफ्ट साइड है, 12 राइट साइड है। इसके अलावा जो दो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, दे डू नॉट आर अटैच्ड टू द रिब्स आर 12 पेयर, दीज आर द 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये हमारे पास क्या है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है। ईच रिब्स आर अ थिन फ्लैट बोन दैट इज अ जॉइंट विद द लॉन्ग बैक बोन एट द बैक। हर एक रिब केज किससे जुड़ा होता है, बैक बोन से जुड़ा होता है, एक्सेप्ट जो हमारे नीचे वाले होते हैं ना, ये दे आर द टू पेयर। द रिब्स आर ऑल्सो जॉइंट विद द फ्लैट ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। ये जो हमारे नीचे वाले हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे जुड़े नहीं होते, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोल देते हैं। आगे लिखा हुआ है द लोअर टू पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स विच आर जॉइंट टुगेदर ओनली इन द बैक बोन। ओके, आगे आता है बैक बोन ऑफ ए स्पाइन, ये आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल होती है इसमें 33 बोन्स जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं और फ्लेक्सीबल भी होती है। द बैक बोन सपोर्ट आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कोड, ये बैक बोन क्या होती है, सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को और जो प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है, जो हमारे ब्रेन से नीचे की तरफ जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, द स्कल इज ऑल्सो अटैच टू द बैक बोन, स्कल किससे अटैच होता है, बैक बोन से पीछे। द बैक बोन इज मेड अप ऑफ ए 33 स्मॉल बोन, जिसको हम को क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रा। ई द वर्टिब्रा फॉर्म ऑफ ए स्ट्रोंग कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, द वर्टिब्रल वर्टिब्रा इंटरकनेक्ट इन सच ए वे इट मेक द बैंडिंग एंड ट्विस्टिंग इज पॉसिबल। जो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो पाती है, फ्लेक्सिबल हो पाती है, ट्विस्ट कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेस्ट बोन बोल देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन दैट फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, इसको आप लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हो। ये क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो फ्लैट बैक बोन होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी चेस्ट की क्या होती है, फर्स्ट बोन लिम्स। आगे कहते हैं लिम्स, दे आर द टू पेयर ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब कि अगले वाले और हिंड लिम्स है पीछे वाले, जैसे हमारे फोर लिम्स क्या आर्म्स है एंड हिंड लिम्स लेग है। अगर हम हॉर्स की बात करें, हॉर्स के पास क्या होते हैं, उसके पास सिर्फ हिंड लिम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। ओके, द फोर लिम्स, द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन इसको द ह्यूमस, जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमरस बोल देते हो, दैट एक्सटेंड अप टू द एल्बो, जो किससे एक्सटेंड होती है, हमारी एल्बो से। द लोअर आर्म हैज़ द टू बोन्स विच आर अटैच टूगेदर, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, रेडियो अल्ला। ओके, जो फोर लिम्ब होते हैं हमारे, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, फोर लिम्ब दिखाई दे रही है, ये है, इसमें जो ऊपर वाले बोन होते हैं उसको आप लोग ह्यूमरस बोल देते हो, ये है, और नीचे वाली को क्या बोल देते हैं, रेडियस अल्ना। ओके, दे आर 27 बोन इन द हैंड एंड व्रिस्ट, हमारे हाथों में कितनी बोन्स होती है, 27 होती है। आफ्टर दैट इन लिम्फ, द फीमर इज अ पावरफुल हाई बोन और बोन ऑफ द अपर लेग विच बेयर द वेट ऑफ द फुल बॉडी।
फीमर क्या होती है, तो पावरफुल बोन होती है हमारी लेग की, जिसके ऊपर पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का वजन होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये क्या होती है, सबसे बड़ी बोन है। ओके देखो इसमें दिखाया हुआ है, ये फोर लिम्स हैं, हिन लिम्ब, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल मैंने मतलब ये जो हमारे हिप की जो बोन्स होती हैं, ओके, और ये क्या हमारी पेक्टोरल गर्डल, ओके। आफ्टर दैट फंक्शन, आप समझ में आ गया क्या फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। विदाउट इट इट वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो हम लोग स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। इट कवर एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड डेलिकेट इंटरनल, जैसे हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, उनको क्या करता है स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल किसको प्रोटेक्ट करती है, खोपड़ी हमारे ब्रेन को। द बैक बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, बैक बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो किसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्पाइनल कोड को। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, द रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को और लंग को। इट ऑल्सो इट अलो मूवमेंट ऑफ ए डिफरेंट बॉडी पार्ट, इनकी स्केलेटन सिस्टम की वजह से हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट भी क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इट कंटेन द बोन मैरो, हमारे इसके पास क्या होते हैं स्केलेटन सिस्टम, बोन मैरो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं एंड रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। द बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ ए मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फरस। बोन्स हड्डियों के अंदर क्या स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर होता है और फॉस्फरस स्टोर होता है। आफ्टर दैट जॉइंट्स, जॉइंट्स की हेल्प से मूव कर पाता है। ये सोचो अगर जॉइंट्स ना हो तो हम स्ट्रेच रहेंगे, हम बैंड नहीं कर पाएगा। अ जॉइंट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर बोन मीट, जॉइंट क्या होता है, जहाँ वो हिस्सा, वो पोर्शन पार्ट का जहाँ पर दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं। बोन्स आर द हैंड टू एट द जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रोंग टिश्यू, जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं, लिगामेंट बोल देते हो। आवर स्केलेटन हैज़ मैनी जॉइंट्स, हमारे स्केलेटन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं एक्सेप्ट द स्कल, स्कल को छोड़ के, खोपड़ी को छोड़ के। द मूवमेंट इज पॉसिबल टू ऑल द जॉइंट, जिन जॉइंट्स की वजह से पूरे मूवमेंट हो पाती है इन द स्कल। द बोन आर इंटरलॉक्ड मेकिंग द जॉइंट इज इम्यूबल, ये सोच के देखो क्या हम अपनी गर्दन को पीछे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, तो इट मीन दैट इसके अंदर जॉइंट नहीं है, वो इमूवेबल जॉइंट है। टाइप ऑफ ए मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट के अलग अलग टाइप चलो देखते हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे जो गुड़िया होती है ना, आप लोगों ने देखोगे जब बच्चे होते हैं हम छोटे तो गुड़िया लेके रखते हैं, उसका हाथ तोड़ देते हैं तो एक पोर्शन क्या होता है कुछ ऐसा होता है, ओके, और एक क्या होता है फिल, ये तो क्या होता है बॉल, बॉल के अंदर क्या गया है सॉकेट है ना, हम लोग इसको इसके अंदर क्या कर देते हैं फ्यूज़ कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं जॉइंट हो जाते हैं। इन सच अ जॉइंट द स्प्रोइड बोन लाइक एंड वन बोन फिट इन टू द कप लाइक सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इट अलो मैक्सिमम मूवमेंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ए जॉइंट। ये देखियो ये क्या है, बोन और सॉकेट जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, बोन एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है इसके अंदर फिट हो जाता है, ओके। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट दरवाजे के अंदर जो जॉइंट होते हैं ना जिनकी वजह से दरवाजा मूव करता है, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट होते हैं। दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन अ डोर, इट ऑल्सो अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जैसे एल्बो नी फिंगर टो हैज दिस टाइप ऑफ ए जॉइंट, इन सब में क्या पाया जाता है हिंज जॉइंट पाया जाता है, ओके। पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट में क्या होता है, दिस जॉइंट इज अ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिबल कोलम, ये जो हमारी फर्स्ट टू वर्टिबल कोलम है इनके अंदर ये पाया जाता है स्पाइन। इट ऑल्सो द मूव ऑफ आवर हैंड साइड वे, जैसे हम लेफ्ट राइट कर लेते हैं ना अपने सर को और ऊपर नीचे कर लेते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये किसकी वजह से होता है, पाइवेट जॉइंट की वजह से होता है। उसके बाद आता है ग्लीडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट इज फाउंड द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल, हमारे हथेलियों में, उंगलियों में, हाथों की और पैरों की में पाया जाता है। इट अलाउ दिस जॉइंट टू साइड,
स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इनटू द ब्लीडिंग, जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, हाथों को मूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट मसल्स, मांसपेशी, मसल सिस्टम एनेबल अस टू मूव एंड कंट्रोल द मूवमेंट, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। बहुत तरह के हो सकते हैं मसल्स। मसल्स आर फ्लैशी बंडल ऑफ ए थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल द बॉडी टू कनेक्ट द बोन्स बाय टेंडन्स। ये इलास्टिन होता है, पतली होती है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल मसल्स होते हैं, इलास्टिक स्ट्रेचेबल होते हैं, जो बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं बोन्स से बाय टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। ये बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करके रखते हैं, कौन करके रखते हैं, कनेक्ट टेंडन्स। दीज आर अबाउट 650 मसल्स इन द आवर बॉडी एंड वन ऑफ द ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर मूवमेंट। हमारे बॉडी के अंदर 650 टाइप की अलग अलग प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, जो अलग अलग मूवमेंट में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन द इम्पोर्टेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, पाचन तंत्र में, श्वसन तंत्र में और एक्सक्रीशन में, जिससे हम मलमूत्र त्यागते हैं उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ये सब हेल्प करती हैं। अब मसल्स भी दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है वॉलेंट्री, मोस्ट ऑफ ए मसल्स इन आवर बॉडी दैट आवर कंट्रोल। हमारे शरीर के बहुत सारी ऐसी मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, दे आर कोल्ड वॉलेंट्री मसल्स, इनको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। जैसे हम अपनी मर्जी से अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, लेग को, आइज को, टंग को। वी रन, वॉक, बैंड एंड स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी इन द फिगर, दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। ओके, आफ्टर दैट इनवॉलेंट्री, द मसल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाउ टू द बॉडी, ब्लड इन द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ ए लंग्स इन ब्रीथिंग। कुछ मसल्स ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, जैसे भोजन का पचना, सांस का लेना लंग्स के द्वारा, ब्लड का फ्लो होना, ये सारे के सारे क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जांपल है। आफ्टर दैट कार्डिक मसल, दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये हमारे सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। दीज आर द इनवॉलेंट्री नेचर, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब ये हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इन पे, बट आर स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री मसल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वॉलेंट्री मसल्स जैसा होता है। एज द मसल्स आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड वर्क थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग एंड गेटिंग ट्राइड, ये पूरी जिंदगी काम करती है, ये थकती नहीं है, ठीक है, बिना थके बिना रुके क्या करती है, काम करती है। वर्किंग ऑफ ए मसल्स, अ पेयर ऑफ ए मसल्स वर्क इन द जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, वैन वन ऑफ ए दम शॉर्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट द अदर लेंथन्स एंड रिलैक्स। वैन वी लिफ्ट वेट एंड बाइकस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रिस्पस मसल स्ट्रेच। क्या बताया हुआ है कि वर्क कैसे करती है मसल्स, जो पेयर होता है मसल्स का वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। वैन वन ऑफ ए दैम, जब एक मसल क्या होती है, शॉर्टर होती है, छोटी होती है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या होता है, लेंथन्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, वैन वी लिफ्ट वेट, हम जब वजन छोड़ते हैं तो बाइकस्प मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्राइसेप्स मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, खिंच जाती है, तो क्या होती है, मूवमेंट होती है। फंक्शन ऑफ ए मसल्स, मसल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, क्या क्या मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं, एज अ रिजल्ट द कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पुल द बोन टू कोज द मूवमेंट। मेंटेन पोश्चर्स, यानी हम बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, स्केलेटन सिस्टम में ये हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर पोजिशन देने में। उसके बाद आती है स्टेबिलिटी जॉइंट, मसल्स होल्ड आवर जॉइंट फ्रेमली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द डैमेज वाइल मूविंग। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स, जिनकी वजह से क्या होते हैं, किसी प्रकार के कोई डैमेज बिना हम क्या कर पाते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद जनरेटिंग
heat. Fourth function of a muscles is to generate body heat. मसल्स की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों की वजह से हमारी बॉडी में हीटिंग होती है. इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मसल्स एक्टिविटी. मसल्स की जितनी ज़्यादा हम एक्टिविटी करेंगे उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट पैदा होगी. ओके, थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़ पांडा साइंस क्लासेस. थैंक यू.